क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है क्या? मुझे एक बार ये बता दीजिए, क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है क्या? हेलो प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है क्या? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग मुझे एक बार बता दीजिए, क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है क्या? क्या हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी के पास एकदम अच्छे से वॉइस आ रही होगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लियर है? चल तो गाइस, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सिविल गुरु रेफरल कोड लगाकर ले सकते हैं। चाहे आप बीएससी का सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आप गेट का लें, चाहे आप एसएससी जेई का लें, किसी भी कैटेगरी का लें, आपको सिविल गुरु रेफरल कोड यूज करना होगा। कौन सा? सिविल गुरु रेफरल कोड आप लोगों को यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम क्विज पे चलते हैं। मैं आपको वो सवाल करवाऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं अभी आपको, क्योंकि अभी एग्जाम आ गए तो मैं फालतू के सवाल नहीं करूंगा। आपको वही करवाऊंगा जिससे आपका कुछ फायदा हो सके, मेरा मकसद इस वक्त वही रहेगा। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। भैया क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे भैया। काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, मैं कमेंट भी रीड कर रहा हूं आप लोगों के। तो आंसर आएगा गाइस 400। बहुत बढ़िया, क्या आंसर आएगा? 400। कैसे आएगा? आप देख सकते हो कि एक सर्कमफ्रेंस बराबर 360 डिग्री होती है, बिल्कुल आसान है। अगला सवाल गाइस, सभी लोग मुझे बताएंगे, आपको यंग मॉडुलस निकालना है भैया, आराम से बताइए। मैं हर एक का कमेंट रीड कर रहा हूँ, सभी लोग बताएंगे भैया। सेकंड का आंसर, आपको बल्क मॉडुलस गिवन है, यानी के आपको गिवन है 80 गाइस, रिजिडिटी आपको गिवन है 48, आपको यंग मॉडुलस निकालना है। सभी लोग निकाल के बताएंगे क्या आंसर है। पूजा ने सबसे पहले आंसर दिया है 120। प्रणाम दोस्तों, प्रणाम। सभी लोग बताइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 120, हिमांशु भी बता रहा है। जल्दी जल्दी से बताओ, स्टूडेंट कम क्यों हैं? सब सो रहे हैं मस्ती में, कोई बात नहीं। तो ई बराबर क्या आंसर आएगा? ई बराबर क्या होगा? 9 kg + 3 kg + g। तो 9 k कितना है गाइस? 80। g कितना है भैया? 48। 22 में 3 आती गए दुकानदार के पास, बोल 9 kg सामान देते हैं, बोल 9 kg नहीं है, कितना है? 3 k + g है। सोल्व कर लेना, इसका 120 आंसर आ जाएगा। अगर यही सवाल है एग्जाम में आते रहेंगे। अगला सवाल गाइस, फाइल डेटा आर यूज इन लोकेशन वेयर इंक्रीज इन द एंड बेरिंग एरिया इज डिजायर इज नॉन एज। सभी लोग बताएंगे भैया। तीसरे का आंसर बताएंगे भैया। हाँ जी आशीष, सभी लोग तीसरे का आंसर बताएंगे बड़े प्यार से भैया जी। तो आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, वेस्टर्न बटन बॉटम पाइल। अगला सवाल, अब क्या होता है इसको मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि दीज पाइल्स आर इंक्रीज इन लोकेशन वेयर द इंक्रीज इन द एंड द बेरिंग एरिया इज डिजायर। द पाइल यूजेज ए कॉन्क्रीट प्लग इन द शेप ऑफ ए बटन। सारी चीज लिखा, दिस बटन फॉर्म्स एन इनलार्ज होल इन द सोल ड्यूरिंग ड्राइव। पॉजिटिव सेल फोर्स, सभी लोग बताएंगे भैया। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पॉजिटिव शेयर फोर्स फॉर्म्स ए, सभी लोग बताएंगे भैया।
फोर्थ का आंसर। सभी लोग आंसर दो। पॉजिटिव शेयर फोर्स। तो गाइस पॉजिटिव शेयर फोर्स क्या होता है, इस तरीके का होता है। सभी लोग बताओ ये पॉजिटिव शेयर फोर्स है तो इसका क्या है, क्लॉकवाइज आ गए ना। अरे क्लॉकवाइज हुआ या नहीं हुआ भाई, नेगेटिव शेयर फोर्स कैसा होता है, ऐसा होता है जिसका आंसर आएगा क्लॉकवाइज। अगला सवाल, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड। सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग बताएंगे भैया जी। गाइस साउंडनेस ऑफ टेस्ट सबको पता है, ली चैटेलियर बिल्कुल ढोलकी है। ली चैटेलियर में गाइस 0.78 पी आपको क्या लेना, वाटर लेना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल, सभी लोग अगला सवाल का आंसर देंगे। एसोट होलो स्टील कॉलम। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। आपको एरिया ऑलरेडी गिवन दे रखा है 0.01694 मीटर स्क्वायर, और गिवन है गाइस आपको इंटरनल डायमीटर 200 mm। आपको एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, यानी आपको डीई निकालना है। बताइए सॉल्व करके, तुक्का ना मारिए भैया जी, तुक्का नहीं चलेगा इधर। तुक्का नहीं चलेगा, मैं हेल्प कर दे। सबको पता होलो के एरिया क्या हो गए, एरिया पाई बाई फोर, डी इनिशियल का सॉरी डी इंटरनल का स्क्वायर माइनस में डी एक्सटर्नल का स्क्वायर। एरिया गाइज आपको गिवन है, एम एम में निकालना है तो इसको एम एम में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा 16940 पाई बाई फोर, ये कितना हो जाएगा गाइज, आप लोगों को निकालना ही है। तो सभी लोग बताएंगे इसी, तो डी एक्सटर्नल माइनस होगा 200 से बड़ा होगा ना, तो 200 डी एक्सटर्नल तो आपको निकालना है ना, माइनस 200 स्क्वायर यहाँ से निकाल लेना डी। आंसर क्या आएगा गाइस, 248.1 आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। अगला सवाल गाइस, फॉर्मूला भी सवाल है, जल्दी से बताइए फॉर्मूला भी सवाल है, जल्दी से बताइए कौन सा सवाल था। 5, 6, 7 सातवें का आंसर बताएंगे। सेवन का आंसर करो, हाँ दिव्यांग कर दिया वो। तो गाइस सेवन का क्या है, आती गया दुकानदार के पास 9 kg सामान दे दे, 9 kg नहीं है, कितना है 3K+ सी है। अगला सवाल गाइस आठवां, ये तो अभी मैंने डिस्कस करा था डिटेल में एक दिन सुबह 8 बजे वाली क्लास में। प्रिज्मोडियल करेक्शन व्हाइल सर्विंग इज ऑलवेज, सभी लोग बताएंगे भैया आठवें का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया पूजा, पूजा ने भी सही दिया है, कुशाल ने भी, नेहा ने भी, कुर्बान ने भी, तो गाइस क्या है सब्सट्रैक्टिव, बहुत बढ़िया। अगला सवाल स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है गाइस, जल्दी से बताओ, और इसका गाइस स्केल मोहर स्केल वाला भी पता होना चाहिए, 1 होता है, जल्दी से बताइए। आज स्टूडेंट बहुत कम है, शाम को आ जाए ना सभी लोग, तो आंसर क्या आएगा 2.7। आज 2 बजे वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है। पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज, क्या होता है पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या होता है गाइस, बाबू ये कौन सा सवाल है, ये 9वां ये 10वां सवाल है पॉइजन रेशियो वाला। तो क्या होता है लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सबको पता है कोर का पॉइजन रेशियो 0 होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला सवाल 11वां,
द शेप ऑफ आईएलडी फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम। जल्दी से बताओ, सिंपली सपोर्टेड बीम सभी लोग बताएंगे भैया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। इसमें तो सबको पता है हिंज लगाना होता है, लगा दीजिए उठा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर इसका आंसर आ जाएगा, ट्रायंगुलर। अगला सवाल गाइस, कौन सा गाइस मेथड आपको वाटर कंटेंट के लिए यूज करते हो, कल भी बस डिस्कस किया था, सभी लोग बताएंगे भैया। बारवा शाम को YouTube पे लगी हुई है भैया, नहीं तो मैं ले लेता, YouTube की क्लास है इवनिंग में। तो आंसर क्या है गाइस, टॉर्जन बैलेंस मेथड। और टॉर्जन बैलेंस मेथड क्या गाइस, इसमें गाइस जो आपके ड्राइंग एंड है जो एजिंग होता है दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए ये उसके लिए करते हैं जो जल्दी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। हाँ वो तेरे परवीन, ओह पैराडॉक्स, पैराडॉक्स आ गया है भाई, पैराडॉक्स का फैन है क्या, अरे एमसी स्क्वायर का फैन है या पैराडॉक्स का है। एज पर द टू फोर्स प्रिंसिपल इफ ए बॉडी 13 का आंसर बताएंगे, मिक्स ही सवाल होगा परविंदर। 8 बजे है ना यूट्यूब पे, बोर्ड पे लेंगे 8 बजे। तो आंसर क्या होगा गाइस, बहुत बढ़िया, क्या होगा इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर, बहुत बढ़िया फर्स्ट। अगला सवाल 14 का, ऐसे सवाल ज्यादा होते हैं, फाइंड द वर्किंग स्ट्रेस, जल्दी से बताओ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है भैया, सभी लोग बताएंगे भैया जी जल्दी से। तो आंसर क्या है गाइस, वर्किंग गाइस फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, अल्टीमेट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 472 बाई क्या आ जाएगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 94.4। अगला सवाल गाइस, अगला बिल्कुल आसान सवाल है, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग बताओ गाइस क्या आंसर आएगा, ये तो ढोल को सभी लोग बता दीजिए, 15 का आंसर बता दीजिए। आज नहीं है 2 बजे भैया, सभी लोग 15 का आंसर बताइए, बहुत बढ़िया, काफी लोग बता रहे सर स्ट्रक्चर वाटरों का बहुत बढ़िया। 16 का आंसर बताइए, द एस्टिमेट दैट प्रिपेयर इन द इनिशियल स्टेज, दो तरीके के एस्टिमेट होते हैं, एक होता है गाइस एक होता है डिटेल आता है काम में टेक्निकल सेंशन के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोवल के लिए काम में आता है, अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए। डिटेल के एग्जाम्पल हो गए रिवाइज हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, इसके हो गए प्लिंथ रेट हो गया, क्यूब वाला हो गया, इसका आंसर होता है 60 का। तो प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट क्लियर। अगला सवाल गाइस, 1 टन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 टन इक्वल टू सभी लोग बताओ, 1 टन इक्वल टू क्या होता है, सभी लोग बताएंगे ढोल की, एक टन बराबर क्या होता है, सभी लोग बताएंगे 1 टन बराबर क्या होता है, ढोल को ये भी नहीं पता है क्या, तो 9.81 किलो न्यूटन होता है। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है बी। अगला सवाल गाइस, और ऑल वॉल्यूम डिफाइंड, सभी लोग बताएंगे 17-18, और ऑल वॉल्यूम डिफाइंड बाय द आउटर डायमेंशन ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड एज, क्या आंसर आएगा इसका, सभी लोग बताएंगे भैया।
वॉल्यूम बहुत बढ़िया, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। मेरा मकसद आपको नई चीजें सिखाना नहीं है, इस बार जो चीजें चल रही उन्हीं को सही करना है, क्योंकि नया करोगे तो दिमाग और खराब होगा आप लोगों का। गाइज नॉट ए क्यूमुलेटिव एरर कौन सी नहीं है गाइज, जल्दी से बताओ। नॉट ए क्यूमुलेटिव एरर गाइज, 19 का आंसर बताएंगे भैया। नेहा कुमारी बहुत बढ़िया, नेहा कुमारी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेहा कुमारी। तो केयरलेस होल्डिंग, अगला सवाल गाइस 20। ब्रिक इज कट, ये कोई ब्रिक अलोंग द विड्थ अक्रॉस द विड्थ, सभी लोग बताएंगे। तो रिजल्ट पीस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? 20 का आंसर, खुशी खुशहाल, बहुत बढ़िया भाई। तो उसको बोलेंगे बैट, और इस तरीके से काट देते तो उसको बोलते हैं अगर क्वीन क्लोजर, अगर ये दोनों इक्वल है तो। अगला सवाल, अगला सवाल गाइस 21, कौन सा एस्टिमेट आएगा एडिशनल वर्क के लिए, जल्दी से बताओ। कौन सा आएगा, सभी लोग बताएंगे भैया। सभी लोग बताएंगे तो आंसर क्या आएगा, सप्लीमेंट्री। अगला गाइस 22वां, बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ ए फिक्स बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, अरे ढोल की सीधा रिलेशन पता होना चाहिए ये, जल्दी से बताओ 22 का आंसर मुझे। अब ये सवाल भी नहीं हुआ ना तो गई भैंस पानी में। ये बोल रहा है एक ये फिक्स बीम है, इसके सेंटर पे पी लगा दिया है, और ए गाइज आपका सिंपली सपोर्टेड है, इसके सेंटर पे पी लगा दिया है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, सभी लोगों को बताना है क्या होगा। सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताएंगे भैया। अरे सबको पता है इधर क्या होता है, 1/4 delta 1 होता है ना, आप लोगों को पता ही नहीं होता 1/4 होता है, तो आंसर सीधा आ गया इसका 1/4 में 0.25। अगला सवाल, बल्क मॉडुलस इज डिफाइन एज द रेशियो, सभी लोग बताएंगे 23वां। बल्क मॉडुलस UDL में 1/5, यस बल्क मॉडुलस क्या होता है जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है मुझे तो। बल्क मॉडुलस क्या होता है जल्दी से बताएंगे, तो क्या होता है गाइस, बहुत बढ़िया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बहुत बढ़िया। 24 का आंसर बताओ। हाइड्रोमीटर गाइस कैलिब्रेटेड, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ हाइड्रोमीटर। 24 का आंसर बताएंगे भैया, तो आंसर क्या आएगा 27 मीटर। हाइड्रोमीटर में पूछा जाता है मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, या आप लोगों को पता होना चाहिए। डिस्पर्सिंग क्या होता है गाइस, नेगेटिव, और टेम्परेचर का क्या होता है बोथ, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला सवाल 25, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई भाई भाई तो जल्दी से बताओ, रेक्टेंगुलर का क्या होगा, सभी लोग बताएंगे भैया। क्या होगा भैया, सी BD² / 6, बहुत बढ़िया। 26 का आंसर बताओ, मोस्ट कॉमन क्रैकिंग विद अकर्स इन वॉल्स मेड विद मिक्स विद हायर वाटर कंटेंट, जल्दी से बताओ 26 का आंसर। सभी लोग बताएंगे गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, ड्राई श्रिंकेज। अगला सवाल 27, नॉट ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन सा इनमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, सभी लोग बताएंगे। नॉट ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो गाइस नेगेटिव
ये कोई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है। ढोलकी ढोलकी सा सवाल 28वां, विच द सर्वे डेट डन फॉर डिटरमाइनिंग द डिजाइनिंग इंजीनियरिंग वर्क, जल्दी से बताओ गाइस। 14 का पहली शिफ्ट में मुझे ये बताओ, 14 को तीन शिफ्ट बता रहे हैं, ढोल को सभी लोग बताएंगे। पहली शिफ्ट 11 बजे खत्म हो रही बताई, दूसरी 1 बजे से स्टार्ट बताई, तीसरी 5 बजे से। मुझे बताओ इन तीनों शिफ्ट में क्या सिविल का ही पेपर है क्या तीनों शिफ्ट में? मुझे एक बात कमेंट करके बताओ। या सुबह वाली शिफ्ट में तो है, शाम वाले को भी है, बीच वाले में भी गए सिविल का ही है क्या? मुझे ये बात बता दीजिए। तो आंसर क्या है? इंजीनियरिंग सर्वे। अगला सवाल सभी लोग बताएंगे गाइस। 29 पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस एनी लोड कैन बी, ये तो अरे ढोल की जल्दी से बताओ, पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस एनी लोड कैन बी एनालाइज इनटू, सर एक एंड तीन में है बस, सेकंड में नहीं है ना? ओके रूपाली, बाकी ढोल की ऐसे ही मार रहे हैं क्या? तो कंसंट्रेट लोड एंड लाइन लोड 15 को फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट का है। ओके ओके, अगला सवाल सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। 30 का टेंशन कोफिशिएंट मेथड इज बेस्ड ऑन, सभी लोग बताएंगे। तो गाइस टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है? टी बाई एल होता है। टी क्या होता है गाइस? टेंशन इन मेंबर। एल क्या होता है? लेंथ। तो आंसर क्या आएगा गाइस? सभी लोग बताएंगे। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं। तो टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है? टी बाई एल। टी क्या होता है? टेंशन इन मेंबर, और एल क्या होता है? लेंथ। जो टेंशन कोफिशिएंट है, जो टेंशन कोफिशिएंट मेथड है, ये स्पेशली यूजफुल होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस के लिए, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस के लिए, और वैलिड फॉर परफेक्ट फ्रेम के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या आ जाएगा भाई, मेथड ऑफ जॉइंट एंड इक्विलिब्रियम। आगे चलें भैया, अगला सवाल गाइस। 31 कॉस्ट एस्टिमेट दैट इज ऑब्टेन बाय क्यू, अरे यार ये तो वैसे ही बता दो यार, ये कोई सवाल है क्या? सभी लोग बताओ इसको जल्दी से। 31 का जल्दी से बताओ, ढोल की जल्दी से बताओ 31 का। वाह जी वाह, और सवामणि कितने लोगों ने बोल दिए, सवामणि कितने लोगों ने बोल दिए भाया? तो आंसर क्या आएगा? बी। और सब बहुत बढ़िया। अगला सवाल गाइस 32 सुपर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर मतलब प्लास्टिसाइजर की ही प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है सुपर प्लास्टिसाइजर के दौरान, जल्दी से बताओ। अब की बार सारा लाग जाए, 2023 में सारा ब्याह हो जाना चाहिए, फिर सारा घूमबा चल लांगा, जल्दी से करो इसका आंसर। द सुपर प्लास्टिसाइजर तो डिस्पर्स कर देता है पार्टिकल को, जिससे रिमूव हो जाती है आपकी एयर बबल्स एंड रिटार्ड हो जाती है सेटिंग। 33वां गाइस सभी लोग बताएंगे। फॉलोइंग कॉन्क्रीट हैज एबिलिटी टू हेल्प इट्स क्रेक, सभी लोग बताएंगे भैया। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएंगे गाइस। तो आंसर क्या है? बैक्टीरियल कॉन्क्रीट। 34 रिलेशनशिप बताना है गाइस, लेमिनार कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे भैया। 34 का आंसर बताएंगे सभी लोग। लेट चल रहे हैं क्या लड़के लोग? कमेंट मेरे पास सिलो सिलो आ रहे हैं यार। तो आंसर क्या है गाइस? सी। बहुत बढ़िया, 35 का आंसर बताओ, 35 का आंसर बताओ भैया। सभी लोग बताएंगे भैया। साइज ऑफ ब्रिक 19x9x9 है, मोर्टार 8 mm ठीक है, रेशियो 1:4 का, तो 1 m³ में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, जल्दी से बता दीजिए।
सभी लोग बताएं इससे ज्यादा आसान सवाल क्या ही होगा। ये तो पता है ना, 500 से ज्यादा आंसर आएगा ढोल को, ये तो पता है ना, क्योंकि जब 10 mm का 1 cm का होता है, जब गाइस 500 आती है, तो गाइस ये तो 8 mm का है, तो 500 से तो ज्यादा आनी चाहिए, ये तो पता है ना, यानी तीसरा चौथा तो हो ही नहीं सकता। अरे ये तो लॉजिकली बात है, बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, 190 में ये जोड़ दीजिए भैया, 8 8, तो ये क्या बन जाएगी, अगर मैं देखूं तो 198 mm का हो गया, और ये 98 mm हो गया, और ये 90 mm हो गया, सॉरी 98 mm हो गया। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या होगा, 0.198 मीटर इंटू 0.098 और 0.098, कहने का मतलब अगर मैं निकालूं तो 0.0019 मीटर क्यूब आ गया। मुझे गाइस क्या करना है, 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स करना होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स तो 1 में पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स 0.0019 डिवाइड कर दो, 526 आंसर आ जाएगा। किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ, किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ हो तो बताइए, चलिए भैया आगे, किसी भी सज्जन को कोई भी भारी तकलीफ उठानी पड़ रही हो तो बताइए, आगे बढ़े फिर। 526 अगला सवाल करिए, ये कौन सा था, 35 का सॉल्यूशन भी है, वाह इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो फिर तो 36, द टर्न बाई विच ए कॉन्ट्रैक्टर इज पेड फॉर स्पेशली, जल्दी से बताएंगे भैया, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे भैया जी। तो आंसर क्या है, डे वर्क। अगला सवाल करो गाइस, कौन सा सवाल था ये, 37वां बताएंगे, क्या तो गाइस द टर्म विच ए कॉन्ट्रैक्टर इज पेड फॉर स्पेशली गाइस, सभी लोग बताएंगे उसको क्या बोलते हैं, डे वर्क इन कंस्ट्रक्शन, सभी लोग बताएंगे भैया। तो आंसर क्या होगा, सीरीज ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, 38वां का आंसर बताओ, फ्रेम आर गाइस जल्दी से बताओ, रेसिस्टिंग मोमेंट एट सम और ऑल द जॉइंट, 38 का आंसर बताओ भैया, फ्रेम्स आर गाइस बाई टोर्जन शेयर मोमेंट टेंशन, क्या आएगा, बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या आएगा, मोमेंट, बहुत बढ़िया। 39 का आंसर बताओ, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, ये तो कई बार बता चुका हूं, 39 का आंसर, बहुत बढ़िया खुशहाल, नोट्स में साफ साफ मेंशन करवा रखा है एक्सटेंशोमीटर, तो आंसर क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। अगला सवाल, एक ही सवाल क्या एक बार आएगा, 40वां साल, लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूट इन वर्क द बिल्डिंग, जल्दी से बताओ, तो सभी लोग बताएंगे भैया, 40 का आंसर, अभी याद रख लेना है अगर नहीं पता है तो। 15 साल, अगला सवाल 41, ये अभी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी जब बताया था आर्च में, द रो ऑफ आर्च इज, अब ये सवाल जो गलत करेगा भाई मैं नाराज हो जाऊंगा उससे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में, एसएससी में आएगा, ये सेम सवाल आएगा एसएससी में, अब सेम सवाल आएगा एसएससी में, देखता हूँ किसका गलत होता है, अभी तक तो किसी का भी नहीं हुआ है,
मार्केट का आंसर क्या है, तीसरा, 42वां, टेकिंग अप और डाउन और ब्रेकिंग अप विदाउट कैरीज टर्म है, जल्दी से बताओ बयालीसवें का आंसर, 42 लाइव चल रहे हैं, 42वां सवाल, वाह भाई मान गए, यहाँ का लगे नजारा है। तो आंसर क्या है गाइस, सी। अगला सवाल 43वां, डस्ट बॉन्ड इज मॉडिफिकेशन ऑफ, जल्दी से बताओ किसका मॉडिफिकेशन है डस्ट बॉन्ड, ढूंढो ये भी तो बता दीजिए किसका है गाइस, इंग्लिश बॉन्ड का ये बताना नहीं है, इंग्लिश बॉन्ड किसके लिए बनाते हैं, वी लोड के लिए बनाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे बताओ पार्टीशन वॉल में क्या आप स्ट्रक्चर बॉन्ड ही प्रोवाइड करवाते हैं क्या, या फ्लेमिश देते हैं, क्या देते हैं मुझे बताओ पार्टीशन वॉल में, सभी लोग बताएंगे। अगला सवाल 44, आउटर कर्व विच बाउंड्स द अपर एज ऑफ द आर्च इज नोन एज, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे भैया, ये सवाल भी नहीं हो रहा क्या। तो गाइज आउटर पूछा है तो आउटर को बोलते हैं एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं गाइज इंट्रा, ढोल को ये तो बता दीजिए, तो आंसर क्या जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल गाइज 45वां, अब ये न्यूटन्स बाबा का पूछ लिया है, जल्दी से बताओ न्यूटन्स बाबा क्या बात बोलता है, यहाँ पे भी पोल प्रोवाइड करना मुझे आता नहीं है, यूट्यूब पर कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये तो मैं फिर पोल ही प्रोवाइड करवाऊं यहाँ पे। 45 का न्यूटन्स थर्ड लॉ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्लियर गाइस, 46, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले बताओ ना चीज गाइस, मोमेंट की वजह से क्या होता है क्या नहीं होता है सारी चीजें क्लियर। जैसे कैंटिलीवर में जनरली पूछते हैं कितना आता है, तो आप लोगों को पता है पी एक्स का स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पर, 2EI कर देंगे, dx 0 से l डाल देंगे, तो देख लेना क्या आता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रूफ रेजिलेंस। और ये पूछ लेते हैं मोमेंट की वजह से कैंटिलीवर बीम है तो p लगा हुआ है तो कितनी गाइस स्ट्रेन एनर्जी होगी, बताओ इसमें, इस सवाल को बताओ जल्दी से, चलो मेरा मन करके इसको ही बताओ, सभी लोग बताओ गाइस इसकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताओ, कैंटिलीवर बीम है मोमेंट की वजह से आपको बताना स्ट्रेन एनर्जी, जल्दी से बताओ, बताओ भाई, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अरे इसके कहां से पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI, अरे कर लो ना, एक सेक्शन ले लो यहां से x डिस्टेंस पर, तो m बराबर हो गया पी एक्स, तो पी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2EI अपॉन में इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो शायद ये आ जाएगा पी स्क्वायर AI, तो p स्क्वायर आएगा l क्यूब आएगा, हाँ बिल्कुल p स्क्वायर l क्यूब अपॉन में 6EI आएगा। इस सवाल की स्ट्रेन एनर्जी क्या है, p स्क्वायर l क्यूब अपॉन में 6EI, किसने सही लिखा है, पूजा ने सही लिखा है, रूपाली ने सही लिखा है, बाकी तो ढोलक से सारा का सारा, खाली रोटी सो जाओ, सभी लोग बताएंगे। सीमेंट यूज फॉर लेइंग मेसनरी आर टर्म एज, सभी लोग बताएंगे भैया, द सीमेंट यूज फॉर लेइंग मेसनरी आर टर्म एज, ये भी नहीं पता, बिल्कुल ही ढोलक हो क्या, अरे बिल्कुल ही ढोलक हो क्या भाई, तो आंसर क्या होगा गाइस, बिल्डिंग मोटर्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ग्राउटिंग क्या होता है, अब ये पूछ लेगा ग्राउटिंग क्या होता है एग्जाम में, तो आपको पता है कोई भी क्रैक्स हो गया तो अंडर आप क्या करोगे प्रेशर से वहां पे क्या करोगे गाइस, मोटर अप्लाई करोगे उस क्रैक को क्या करोगे, फिल करोगे, उसे ग्राउटिंग बोलते हैं। अगला सवाल ए पढ़े ही कौन है ये बिल्कुल भी, अरे भाई एक ही सवाल, 48वां, जल्दी से बताओ स्लोप ऑफ कैंटिलीवर बीम जिसका स्पान क्या है एल, स्लोप पूछ रहा है जल्दी से बता दीजिए, स्लोप पूछ रहा है तो सीधा फॉर्मूला स्लोप में गाइस, अगर डिफ्लेक्शन पूछा तो क्यूब आता क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 4।
और अगर डिफ्लेक्शन पूछता तो क्या आता गाइस, डिफ्लेक्शन पूछता तो क्या PL³/3i आता क्या? मुझे तो इतना ही याद है, आप लोग बता दीजिए बाकी, क्योंकि मुझे इतना पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं। 49 का आंसर बताओ, द टूल विच इज यूज टू मेजर द, सभी लोग बताएंगे क्या आंसर आए। ए भगवान, ये तो बता दो, ये तो बता दो, मिस्त्रियों को खूब बीड़ी पिलाई पिलाई होगी, दही होगी, तब देखा होगा उनके हाथों में। सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग बताएंगे भैया जी, सभी लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आंसर क्या है गाइस, मैसन स्क्वायर। अगला सवाल करेंगे गाइस, 50वां सवाल करो जल्दी से, 50वां सवाल का सभी लोग आंसर बताएंगे भैया। पचासवें को पहनाओ टोपी, इन द एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट कितना होगा भाई। तो डी गाइस बिल्कुल आसान है। अगला सवाल गाइस, ये आपको पता भी होना चाहिए गाइस, ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं भर भर के। क्लियर भाई, चलें आगे। अगला सवाल 51, एक्यूरेट एस्टिमेट जल्दी से बताओ, ये तो बता दीजिए, अगर ये भी सवाल गलत हो रहा है ना तो गई भैंस पानी में फिर। सभी लोग बताओ एक्यूरेट, 51 का आंसर बताएंगे तो क्या होगा, डिटेल होगा। अगला सवाल गाइस 52, विच इज द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन मटेरियल विच हीट्स द थिंग्स ऑन विच रेडिएशन फॉल, सभी लोग बताएंगे। ये तो वैसे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़े हुए होंगे उसका होगा, ये सवाल बता दीजिए फिर भी 52 का तो क्या होगा उसका, एनर्जी। 53 गाइस, अरे ये क्या है फालतू के सब तो उससे हैं, 50 ये भी छोड़ो, ये बताओ उसके जिस स्टेट का पेपर उसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़े होंगे वहां से सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ फ्लाई एस, सीमेंट कॉन्क्रीट इज फॉल्स, सभी लोग बताएंगे भैया। फॉल्स पूछ रहा है भैया, फॉल्स क्या होगा गाइस, सभी लोग बताओ भैया। 54 का आंसर, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, ये सारे छोटे पढ़ने में होशियार हो यार। 55 का आंसर बताना, विच ऑफ दीज इन ऑयल टाइप गाइस जल्दी, अरे ये तो अगर जिसने गलत किया उसके घर तो मैं कॉल कर दूंगा। 55 का आंसर बताओ, सभी लोग बताएंगे गाइस, बहुत बढ़िया भी, वाह। 56 का आंसर बताओ, विच ऑफ दीज इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यूरिंग लेबलिंग, सभी लोग बताओ। 56 का आंसर बताएंगे, क्या होगा गाइस, विच ऑफ दीज इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यूरिंग लेबलिंग। तो गाइस रोड नोट ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ, इसमें कई लोग गलत भी आंसर दे रहे, काफी लोग दे रहे हैं भैया, क्लियर गाइस। कई लोग एरर इन साइटिंग दे रहे हैं, भाई एरर इन साइटिंग तो पर्सनल एरर हो गई ना, पर्सनल एरर हो गई, ये वाली गाइस इंस्ट्रूमेंटल एरर है, क्लियर गाइस। रोड हैंडलिंग गाइस मिस्टेक, ये भी पर्सनल एरर है, क्लियर, ये भी गाइस पर्सनल एरर है, पर इसमें इंस्ट्रूमेंटल पूछा है, दूसरा आंसर आ जाए। अगला सवाल गाइस,
ये कल भी करवाया था, आज भी करवा रहा हूं, जल्दी से बताओ बाबू ये कौन सा नंबर का है। 57 का, 57 का गाइस। तो आंसर क्या है, प्लास्टिक ने देख रहे हो स्पीड, 40 मिनट में कितने सवाल करवा दिए। 58 का आंसर बताओ, बुक्स लो, मान रहे हो। इतने डिजिटल बोर्ड पे नहीं होते, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे एक्सप्लेन करना होता है ना हर चीज को, क्योंकि वहां पे कई भी ढोलक आ जाते हैं। 58 का आंसर बताएंगे। तो आंसर क्या है, लीनियर। बहुत बढ़िया, 59। ये जो गलत करेगा उसके घर कॉल कर दूंगा, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया टोस ने। सभी लोग बताओगे इसका आंसर। 59 का आंसर। तो सभी लोग दे रहे सुपर पोजिशंस। अगला सवाल गाइस 60। विच मटेरियल हैज ए गाइस कंपोजिट स्ट्रक्चर विच इज ए लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म गाइस। बहुत प्यारा सवाल है, सभी लोग बताएंगे क्या होगा, बताओ मुझे। डेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रैनुलर क्या होता है, लेमिनेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है। आंसर क्या आएगा गाइस 60 का। बहुत बढ़िया, लेमिनेटेड स्ट्रक्चर। सारे पढ़ रखे हैं भैया, बढ़िया बढ़िया तरीके से। 61 का आंसर बताओ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड ओनली इफ द मटेरियल इज। 61 का आंसर। ये तो सारा ही पढ़े राशि रहे हैं तो भाई, मौज कर दी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैंने हमेशा एक सवाल बताया आप लोग। अरे भैया इसके लिए प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन के लिए क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन तो मिनिमम होना चाहिए और हुक्स लॉ वैलिड होता है। अगर हुक्स लॉ वैलिड होता है तो कौन सा आंसर आएगा, 4 नहीं आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लीनियर। बात समझो, इसकी जगह ये भी लिख देता कि हुक्स लॉ वैलिड। बात आप समझने की कोशिश करा करो, सारी चीज लिखवा रखिए। बताओ जल्दी से इसका आंसर। 62 ओसा कह रही सर आपसे पढ़ा है सारा, थैंक यू मैम। कितने लोग फॉलो करते हैं मेरी प्लस क्लास भी फॉलो करते हैं, एक बार कमेंट करना जो प्लस क्लास भी फॉलो करते हैं। सभी लोग बताओ सर रिपीट हो गया है, बहुत बढ़िया सप्लीमेंट्री। तो गाइस एडिशनल वर्क करने के लिए, जैसे मकान बन रहा था आपका, इंगेजमेंट से पहले काम चल रहा था, अब शादी होगी, शादी के बाद घरवाली आ गई, घरवाली ने कुछ अगर एडिशनल चीजें करवाई तो वो सब किसमें आएगा, सप्लीमेंट्री में। क्लियर गाइज, आगे चले 63 का आंसर बताएंगे। 63 का आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अच्छा नवीन करता है, सारा फ्री क्लास करती है, पूजा नेहा करती है, नवीन अभिषेक, ओके ओके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या है गाइस, स्प्लिटिंग टेंशन टेस्ट, सबको पता है गाइस। फॉर्मूला बताओ इसका, 2p / पाई dl, क्या मैंने ये सही फॉर्मूला लिखा है या गलत लिखा है, जल्दी से मुझे इस बात का आंसर देंगे। सभी लोग मुझे इस बात का आंसर देंगे, क्या मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है। 64 का आंसर। कैरी ओवर फैक्टर गाइस, फिक्स फार एंड इज। सभी लोग बताएंगे विद ए फिक्स फार एंड। बहुत प्यारा सवाल है, एक सवाल यहां से पक्का आएगा, मैं सारी चीजें बता दूंगा। जब देखो गाइस फार एंड फिक्स होता है तो क्या होता है, अगर आप यहां पर एम लगाओगे तो यहां पर क्या पहुंचेगा गाइस, फार एंड फिक्स है तो एम बाई टू, तो क्या जाएगा एम बाई टू बाई एम, तो कैरी ओवर फैक्टर हो गया हाफ। अगर फार एंड हिंज होता है, ध्यान सुन लेना, अगर फार एंड हिंज होता है तब क्या होगा गाइस, तब होगा आपका जीरो। अगर गाइज इस तरीके का है फार एंड गाइज आपका कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम है, अगर आपने यहाँ पर एम लगा दिया है
तो यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा, माइनस का एम बाई एम, इस केस में माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एम ही भेजेगा क्योंकि कोई सपोर्ट तो है नहीं। तो मैंने सारे आप लोगों को बता दिए, किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल गाइस, सभी लोग बताएंगे भैया, ये तो मैंने साफ लाइन लिखवाई थी अभी गाइस, ये ढोल को ये लाइन तो मैंने साफ लिखवाई थी अभी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, चिल्ला चिल्ला के ये लाइन लिखवाई थी कि क्या होता है, क्या होता है बेस शेप यूनिट विच फिक्स एट द क्राउन। मैंने इस तरीके का भी बनाया था क्राउन पे, अब नहीं पता ना तो मुझे नहीं पता, तुम्हें गर्लफ्रेंड की तो हर बातें याद रहती हैं, इस तरीके से नहीं बताया था कि इसको क्या बोलते हैं गाइस, क्योंकि क्राउन पर पूछ रहा है, ये क्राउन पर पूछ रहा है इसका, इसलिए इसका आंसर की स्टोन आएगा, इसलिए की स्टोन आएगा। अगर मान लो मैं क्राउन पे नहीं पूछता, यहां पर पूछ लेता, यहां पर पूछ लेता तो आंसर क्या आता, इस लोकेशन पर पूछ लेता, मान लो इस लोकेशन पर पूछ लेता तो आंसर क्या आता, तब क्या आंसर बताओ, तब आंसर क्या तब भी आता। तो मैंने देखो सारी चीजें बता रहा हूं यार, एक एक चीज, अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन क्या करो। 66 का आंसर होता है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग विच ऑफ दीज डिडक्शन आर नॉट मेड, कौन कौन सा नहीं होता जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भैया, मैंने अपनी क्वालिटी बढ़ाई है उसकी, आपकी इसमें मोबाइल की, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर क्या है, फर्स्ट बेरिंग ऑफ रूफ स्लैब्स। अब कॉर्निस का गाइस मैं हमेशा सवाल बोल रहा हूँ, कॉर्निस का सवाल आएगा फिर मुझे मत बोल देना, कॉर्निस किसके लिए कर रहे थे, ऑर्नामेंटल के लिए काम में ले रहे थे, कॉर्निस के ऊपर जो अब वो जो ब्लॉक लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लो जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं 36 बार बता चुका हूं ये सवाल आएगा, किसको फ्रीज बोलते हैं किसको ब्लॉकिंग बोलते हैं मुझे बता, किसको फ्रीज बोलते हैं किसको गाइस ब्लॉकिंग बोलते हैं, ये सवाल आएगा एग्जाम। फिर वहां पे कहोगे मास्टर ने कुछ नहीं पढ़ाया, मास्टर ने सब कुछ पढ़ाया उसे, हाँ मेजर तो करते हैं रनिंग मीटर में, बहुत बढ़िया एक बात और बता दी, रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और मैं फिर भी नहीं बताऊंगा आज क्योंकि मैं नोट्स में साफ साफ लिखा चुका हूँ। 67 का आंसर बताइए इसी बात पे, 67 का आंसर बताएंगे, ब्रिक हैविंग, सभी लोग बताएंगे भैया जल्दी से, जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए भैया जी, ऐसे कैसे काम चलेगा। सभी लोग बताइए भैया जी जल्दी से। कैविंग फुल लेंथ थिकनेस बट हाफ, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे गाइस आंसर क्या आएगा गाइस, क्वीन क्लोजर। अगला सवाल 68 का आंसर, 68 का आंसर गाइस, अभी तक भी नहीं बता रहे हैं सर, बता दीजिए हमारा नोट्स नहीं है आपके पास। अरे भाई ट्रिक याद रख लो, फ्रीज फ्रीज गाइस, जो फ्रीज मतलब ब्लो, क्लियर गाइस, एफ भी याद रखना है, फेसबुक याद रखना है, फेसबुक याद रह जाएगा, फेसबुक चेहरे की किताब, यानी फ्रीज मतलब ब्लो होगा और ब्लॉकिंग क्या होगा, अबाव होगा, क्लियर भाई। अब इससे ज्यादा बार बार गाइस कॉर्निस के नीचे वाले ब्लॉक क्या कहलाता है, फ्रीज, फेसबुक याद रख लेना, अब ये बार बार मेरे से मत पूछना, तो 1 in 60 क्लियर। ऊपर वाला क्या कहलाएगा गाइस, ब्लॉकिंग, सभी लोग इसका आंसर बताओ।
सेशनिक एक्टिविटी सभी लोग बताएंगे। यार मारी फोटो तो बड़ी काली काली जा रही से आज, मारी फोटो तो बड़ी काली काली जा रही से आज, ये लाइट कमरा की सही को न्या। तो आंसर क्या है, अर्थक्विक जोन, सॉरी अर्थक्विक फोर्स 69 70 70 का आंसर बताओ रे जल्दी से। और ये एक भी इन्होंने बता रहा गुरुजी फोटो सही ना आ रही थारी, हमने तो मजो और आरो से मास्टर की बढ़िया से खराब फोटो जा रही से जापा तो अपने के लाते से यही तो बड़ा खुश हो रहा से। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, लोड फैक्टर 71 का आंसर बताओ जल्दी से इसी बात। सर्वेयर कंपास कौन सा काम नहीं है सर्वेयर कंपास, मुझे बताओ यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ पर 90 होता है, क्या मैंने ये सर्वेयर कंपास का सही बनाया है? इसमें ईस्ट वेस्ट का देख लेना उल्टा सीन है। और प्रिज्म का गाइस क्या मैंने सही बनाया है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और साउथ पे जीरो होता है, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 80 डिग्री होगा, क्लियर का सॉरी 180, ये देखो क्या मैंने ये सही बनाया है क्या? सभी लोग मुझे बता दीजिए सही बताया बनाया है। हाँ प्रिज्मेटिक का 30। चलो अगला सवाल इसी बात पे, 72वें का आंसर बताओ। चलो भाई चलो आप लोगों से सीख लेंगे धीरे धीरे हम भी, 72वें का आंसर बताओ। Water that forms a hydration cell around soil grains is known as, और ये कौन से कंपास में लगाते हैं गाइस, सर्वेयर में या प्रिज्मेटिक में, मुझे ये बता दीजिए, ये सवाल आएगा एसएससी में। सभी लोग बताओ ये कौन से में होती है, प्रिज्मेटिक में होती है, सर्वेयर में होती है। तो इसका आंसर क्या है, सॉल्वेंट वाटर 73 का आंसर बताएंगे। फाइंड द यील्ड स्ट्रेस, प्रिज्मेटिक काफी लोग सही लिख रहे हैं, गुप्ता एंड गुप्ता में है ना सवाल, सभी लोग इसका आंसर बताओ जल्दी से डॉल की। तो भैया स्ट्रेस पूछ रहा है तो फोर्स अपॉन क्या करोगे एरिया, तो यील्ड 28.5 × 10³ अपॉन में एरिया कितना कर दोगे, पाई बाई 4 × 12² सॉल्व कर लेना 252.5 आ जाएगा। अगला सवाल गाइस बच्चा लेवल का सवाल है, रटा हुआ होना चाहिए, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। कौन से नंबर का है ये, 74 का सवाल है, देख लो 74 सवाल करवा दिए, इतने सवाल तो शायद कोई भी क्यूज में एक घंटे में नहीं करवाता होगा, चाहे पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी चले जाओ कि एक घंटे की क्लास में आपको कोई 80 एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दे, कोई नहीं करवाया। मैं लिख के दे दूं ये बात, 3R/8 सीधा रटना है। 75 का आंसर बताओ, 75 का बताइए भैया, 2R/6R सभी लोग बताएंगे। तो गाइस इस तरीके का होता है ना, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये स्पैंड्रिल कहलाता है। आंसर क्या है फर्स्ट 76, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर क्या है फोर, अगला सवाल करिए भैया।
79 का आंसर बताइए जल्दी से। सेवेंटी सिक्स है क्या ये? 79 था, कौन सा था? 76, 77 था ये। 77 इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट? 78 का आंसर बताओ गाइस। मैंने कल ही बताया था फ्री फ्रॉम गाइस इसमें स्फेरिकल एब्रेशन है, तो आंसर क्या आएगा? बहुत प्यारा सवाल है, ये आएगा एसएससी में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आएगा एसएससी में गाइस। फ्री फ्रॉम पूछ रहा है गाइस स्फेरिकल, तो आंसर क्या आएगा गाइस? सभी लोग बताएंगे फ्री फ्रॉम गाइस, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड। और अगर इसकी जगह, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, स्फेरिकल की जगह मान लो मैंने ये लिख दिया, तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? तब मुझे बता दीजिए कौन सा आंसर आएगा, तब कौन सा आंसर आएगा मुझे तो ये लिख के बता दीजिए, तब कौन सा आंसर आएगा 78 का, तब कौन सा आंसर आएगा? फिर डी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यही मैंने आपको बताया था दो तीन दिन पहले। 79 सभी लोग बताओ। सेवेंटी नाइन का क्या आंसर है? पैराडॉक्स के गाने हैं जादूगर और रिहाई, तो आंसर क्या आएगा? वेट, अगला सवाल 80 कर दीजिए जल्दी से। टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ मेंबर इंडिकेट, अभी तो बताया था टेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है, अभी बताया था जस्ट। 80 का आंसर क्या होगा? अभी बताया था टेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है, टी बाई एल नहीं बताया था मैंने, टेंशन क्या होता है, मेंबर में एल क्या होती है लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मेंबर, अभी बताया था। वाह भाई वाह, 81 जल्दी से बताओ। छुट्टा कर दें क्या, कर दें क्या छुट्टा भाई? छुट्टा कर दें, बता दीजिए, आप बोलोगे तो कर देंगे छुट्टा भाई। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर। तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट? तो गाइज अब देखो, मैं ना रोटी खाऊंगा, मुझे लग रही है भूख, तो वैसे मैंने ना खाया, कुछ पानी तक नहीं पिया है, तो इसीलिए सभी को बाय और मिलते हैं 8 बजे। 8 बजे सभी लोग आ जाना, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, मैंने सुबह से नहीं खाया कुछ भी। आप लोग तो खा खा के 20-20 रोटी आ गए हो, 20-20 रोटी शाम की बची हुई आलू की सब्जी आप लोगों ने तो ले लिए, 20-20 रोटी आलू की बची हुई सब्जी, पर भाई मुझे तो अभी खाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। ठीक है गाइस, बाय।